कवियों की वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, मैं रेणु द्विवेदी आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ कवि सम्मेलन लेकर। कवियों की वाह वाह क्या बात है MTV में। तो आइए इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करती हूँ, शुरुआत करती हूँ। हमारे बीच में कासगंज से युवा कवित्री उपस्थित हैं, प्रेम और श्रृंगार की कविताएं लिखती हैं। तो मैं उनको अपनी ही स्वरचित चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि रात तारों भरी झिल मिलाने लगी, मैं तुम्हें देखकर गुनगुनाने लगी। रात तारों भरी झिल मिलाने लगी, मैं तुम्हें देखकर गुनगुनाने लगी। फूल सी में खिली ये मुझे क्या हुआ, फूल सी में खिली ये मुझे क्या हुआ, पंछियों की तरह चहचहाने लगी। नमस्कार, मैं कासगंज से दीप्ति दीप आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ श्रृंगार की कुछ पंक्तियों के साथ। तो आइए आप सभी को मैं प्रेम से जोड़ती हूँ, श्रृंगार से जोड़ती हूँ, मोहब्बत से जोड़ती हूँ, क्योंकि इसके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आइए क्या पंक्तियाँ बढ़ती हूँ। मेरा पावन सा एक धाम बन जाओ ना, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। मेरा पावन सा एक धाम बन जाओ ना, दर्द का मेरे तुम बाम बन जाओ ना, दर्द का मेरे तुम बाम बन जाओ ना। जिंदगी भर जैसे रोज जपती रहूं, जिंदगी भर जैसे रोज जपती रहूं, तुमसे राम सा नाम बन जाओ ना, तुमसे राम सा नाम बन जाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। करवटे हम बदलते रहे रात भर, करवटे हम बदलते रहे रात भर, दिल के अरमां मचलते रहे रात भर, दिल के अरमां मचलते रहे रात भर, धड़कने मेरी बेकाबू जब हो गई, धड़कने मेरी बेकाबू जब हो गई, घर से बाहर टहलते रहे रात भर, घर से बाहर टहलते रहे रात भर। और आइए एक गीतिका की कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष रखती हूँ। कारे कारे कवारे हमारे नयन, कारे कारे कवारे हमारे नयन, कारे कारे कवारे हमारे नयन, प्यार से जब निहारे तुम्हारे नयन, प्यार से जब निहारे तुम्हारे नयन। और देखिए कि तुमने दिल में जो सीधे उतारे नयन, तुमने दिल में जो सीधे उतारे नयन, तुमने दिल में जो सीधे उतारे नयन, मार डालेंगे तीखे कटारे नयन, मार डालेंगे तीखे कटारे नयन। और पंक्तियाँ देखिए। गहरी सावन के जैसे बरसने लगे, वैरी सावन के जैसे बरसने लगे, वैरी सावन के जैसे बरसने लगे,
से संवारे नयन थी बड़े ही जतन से संवारे नयन। और पंक्तियां देखिए, किल्लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, लत लगी है तुम्हारी इन्हें इस कदर, बस तुम्हें ढूंढते हैं बेचारे नयन, बस तुम्हें ढूंढते हैं बेचारे नयन, आके दीदार अपना करा जाइए, आके दीदार अपना करा जाइए, आके दीदार अपना करा जाइए, बंद हो जाए ना गम के मारे नयन, बंद हो जाए ना गम के मारे नयन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। आपके दीदार अपना करा दीजिए, बंद हो जाए ना गम के मारे नयन, क्या कहने, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम को, इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में कानपुर से उपस्थित हैं वरिष्ठ कवि आदरणीय गोविंद नारायण शांडिल जी, प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। मैं उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ नीरज जी की चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए, कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला कहानी चाहिए। बहुत बहुत आपका स्वागत है रेणु जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, आपका आदेश हुआ है एक गीत प्रस्तुत करने का, मैं श्रृंगार का गीतकार हूँ। पहले चार पंक्तियाँ देखिए, उसके बाद मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, कि ढले जब दिन ये चंदा चांदनी के संग आता है, ढले जब दिन ये चंदा चांदनी के संग आता है, निशा की बाह में सैलाब तारों का समाता है, उफनाती नदी जाकर मिले सागर की बाहों में, तुम्हारे बिन यहाँ कुछ भी नहीं मुझको सुहाता है। एक गीत देखिए, बिल्कुल ताज़ा गीत है, मंद बयारे छूकर तुमको जब जब आती है, मंद बयारे छूकर तुमको जब जब आती है, सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है, मंद बयारे छूकर तुमको जब जब आती है, सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है, तुम ही तुम गीतों में दिखते मन गोकुल हो जाता, तुम ही तुम गीतों में दिखते मन गोकुल हो जाता, लगता पुनर्जन्म का तुझसे अपना गहरा नाता, सिंदूरी संध्या सुधियों के दीप जलाती है, सिंदूरी संध्या सुधियों के दीप जलाती है, सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है, पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधन वारे, पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधन वारे,
रह रह कर गूंजे धड़कन में पायल की झनकारें, सरिता सागर मिलन भावना तीर जगाती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है, तुलसी मीरा सूर जायसी का परिवार हमारा। सच मानो ढाई आखर में है संसार हमारा, शब्दों के मोती सुधियां संचित कर जाती हैं। महका जाती है। अंतिम बंद देखिए जीत का, ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा, ले चल मुझको उस दुनिया में जहाँ न कोई मेरा। नेह नदी के तट हम दोनों कर ले रैन बसेरा, प्रेम पिया से हंसों की जोड़ी इठलाती है। कहता है गीत हमारे महका जाती है, मंद बयारे छू कर तुमको जब जब आती है। सच कहता हूँ गीत हमारे महका जाती है। मंद बयारे छूकर तुमको जब जब आती है, सच कहता हूँ गीत हमारी महका जाती है। बहुत सुंदर काव्य पाठ के लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। इसी क्रम में लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय छंदाचार्य आचार्य ओम भैरव जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि मैं उनको प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी ही स्वरचित चार पंक्तियों से उनको आमंत्रित करती हूँ कि मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है। बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में, बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है। मैं लखनऊ से ओम नीरव एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है किसान का पैगाम कोठियों के लिए। माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा, माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा, माटी में मेरा जीवन समरता रहा, मेरी हर सांस बंधक रही माटी की। मैं कृषक माटी में ही बिखरता रहा, माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा। कितनी ऊंची तुम्हारी हो अट्टालिका, कितनी ऊंची, कितनी ऊंची तुम्हारी हो अट्टालिका, मेरे माथे से ऊंची न हो पाएगी। खिड़की जब भी खुलेगी तुम्हारी कोई, खुशबू मेरे पसीने की ही आएगी, खुशबू मेरे पसीने की ही आएगी। आया मधुमास जो भी तुम्हारे भवन, आया मधुमास जो भी तुम्हारे भवन, पहले चौखट से मेरी गुजरता रहा, माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा, माटी तन है मेरा।
चाल बहगी तुम्हारी संभल कर चलो, चाल बहगी, चाल बहकी तुम्हारी संभल कर चलो, वरना औंधी चिलम से लुढ़क जाओगे, फावड़े का कलम से है नाता बड़ा, जो न समझे तो फिर मीत पछताओगे, जो न समझे तो फिर मीत पछताओगे, अन्न की टन से शक्ति संपन्न हो, अन्न की टन से शक्ति संपन्न हो, व्योम के वक्ष मानव विहरता रहा, माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा, माटी तन है मेरा। तुमने मंदिर रचा, तुमने मस्जिद रची, तुमने मंदिर, तुमने मंदिर रचा, तुमने मस्जिद रची, खींच दी बीच में एक दीवार भी, जिसमें खिड़की झरोखा न कुछ भी रखा, करते एक दूसरे का जो दीदार भी, करते एक दूसरे का जो दीदार भी, राम अल्लाह दोनों मिले खेत में, राम अल्लाह दोनों मिले खेत में, उनका वरदान झोली में झरता रहा, माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा, माटी तन है मेरा। और गीत का अंतिम स्पर्श, तन से मैले कुचैले रहे हम सदा, तन से मैले, तन से मैले कुचैले रहे हम सदा, रहती दिल में हमारे सफाई मगर, मेरी धनिया की चूनर तो मैली फटी, धानी चूनर धरा को उड़ाई मगर, धानी चूनर धरा को उड़ाई मगर, मेरे माथे से टपकी हर एक बूंद पर, मेरे माथे से टपकी हर एक बूंद पर, तख्ते ताऊस का कोहनूर मरता रहा, माटी तन है मेरा, माटी धन है मेरा, माटी में मेरा जीवन समरता रहा, मेरी हर सांस बंधक रही माटी की, मैं कृषक माटी में ही बिखरता रहा, माटी तन है मेरा। माटी में मेरा जीवन समरता रहा, क्या कहने, बहुत ही सुंदर गीत और बहुत किसान के अंतर मन के भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सही ढंग से आपने अभिव्यक्त किया है। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज इसी क्रम में एक छोटी सी रचना हास्य की मैं भी पढ़ रही हूँ आप सभी के समक्ष। पंक्तियों के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। मेरे मन के उपवन में थोड़ा कर लो सैर, मेरे मन के उपवन में थोड़ा कर लो सैर, मालिक हो तुम मेरे दिल के छोड़ो कहना गैर, मेरे मन के उपवन में थोड़ा कर लो सैर, मालिक हो तुम मेरे दिल के छोड़ो कहना गैर, सबसे लेकर
कर पांव तलक मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, झंडू बाम लगाकर सर में मालिश कर, झंडू बाम लगाकर सर में मालिश कर। क्या पढ़ती हूँ सीधे सीधे, वैलेंटाइन डे पर लिखा था कि तुम पर अपनी जान लुटाऊं, सोच रही हूँ जाने मन, धड़कन की रफ्तार बढ़ाऊं, सोच रही हूँ जाने मन, बोल बोल कर जान तुम्हें रिचार्ज कराऊं मोबाइल, बोल बोल कर जान तुम्हें रिचार्ज कराऊं मोबाइल। तुम्हारे पैसा तब तक जान तुम्हारी हूँ, तुम्हें सड़क पर लेकर आऊं, सोच रही हूँ जाने मन। समोसा पिज्जा बर्गर पांच सितारा होटल में संग तुम्हारे प्रतिदिन खाऊं, सोच रही हूँ जाने मन, संग सोच रही हूँ। सारा जग झूठा लगता है सिर्फ तुम्हें सच्चे लगते, सारा जग झूठा लगता है सिर्फ तुम्हें सच्चे लगते, इन बातों में तुम्हें फंसाऊं, सोच रही हूँ जाने मन, सोच रही हूँ जाने मन। वैलेंटाइन वाले दिन में खाली हाथ चले आए, जोरदार ताप लगा, सोच रही हूँ जाने मन। और इस अंतिम गीतिका का अंतिम युग पढ़ती हूँ कि रेनू ही सबसे अच्छी है, रेनू ही सबसे सच्ची, रेनू ही सबसे अच्छी है, रेनू ही सबसे सच्ची, तोते जैसा तुम्हें रटाऊं, सोच रही हूँ जाने मन, तोते जैसा सोच रही हूँ जाने मन। इसी के साथ इस कवि सम्मेलन को आज के लिए यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सभी से मैं नए एपिसोड में नए कवियों के साथ। तो